बीजेपी के दो विधायक भले ही कांग्रेस के पाले में चले गए हों, लेकिन बीजेपी के नेता ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ऐसा नहीं मानते हैं। खजुराहो पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर की माने तो लोगों को गलतफहमी हुई है, उनके विधायक कहीं नहीं जा रहे। उनके मुताबिक दोनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर कुछ नहीं दिया है। वहीं बीजेपी के चार और विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने पर बोले कि कांग्रेस को जो कहना है कहने दो, कहने से कुछ नहीं होता। मैं समझता हूं कि ये लोगों को गलतफहमी है कि दो विधायक टूट गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष को किसी भी विधायक ने अभी तक ये लिखकर नहीं दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके। सर, जिस तरह से कुछ और विधायक कह रहे हैं कि चार विधायक उनके संपर्क में हैं, सर, उनके दावे से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो कोई भी दावा करें, मैं दावा कर दूं कि पूरी कांग्रेस मेरे संपर्क में है, तो क्या सच हो जाएगा? नहीं आ रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए सरकारें लगातार प्रयत्न कर रही हैं। मुझे लगता है उसके सदपरिणाम सामने आए। सर, जिस तरह से कृषि के विस्तार को लेकर आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों की हालात है, चाहे वो बारिश को लेकर के हो, चाहे योजनाओं को लेकर के, सर उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से कर्ज माफी है उसको लेकर के भी काफ़ी, मध्य प्रदेश जो है कृषि की दृष्टि से एक अच्छा और उपलब्धिकारक राज्य है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तो जितना इस राज्य में कृषि के क्षेत्र में काम हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज भारत सरकार भी कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने बजट में प्रावधान भी बढ़ाए हैं, किसान की आमदनी दोगुनी करने का एक अभियान भी पूरे क्षेत्र में चलाया जा रहा है और मध्य प्रदेश भी उसका पार्ट है। जहाँ तक कर्ज माफ़ी का सवाल है, तो मैं कर्ज माफ़ी को किसान की समस्याओं का निदान नहीं मानता। सर, जिस तरह से अभी आपके कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है, एक लोकलिटी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा रहता है कि लोकलिटी अगर उम्मीदवार हो तो जीत हार की होती है, उसके संदर्भ में भी अभी बात, इस प्रकार की मेरी कोई बातचीत नहीं। सर, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खजुराहो में चल रहे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने इन बातों का जिक्र किया था। तोमर भले ही उन विधायकों के बीजेपी में होने की बात कह रहे हों, लेकिन दोनों विधायकों ने खुद ही बीजेपी में इज्जत ना मिलने का आरोप लगाया है और जल्द ही बीजेपी छोड़ने की बात भी कह चुके हैं। बहरहाल जो भी होगा आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट।